वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा फ्रॉम जेएमडी और आज आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ एक 3 BHK का फ्लैट जो कि रहने वाला है सोसाइटी में। सोसाइटी का नाम है स्वास्तिक। ये दिखा रही हूँ मैं आपको टावर वन में हमारा ये 3 BHK का एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट है। 110 गज का फ्लैट रहने वाला है। इंटीरियर आप देख लीजिए कितना सुपर डुपर लग्जरी एकदम रहने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने एल शेप के सोफे की प्लेसमेंट कर सकते हैं, उस तरफ आप अपना डाइनिंग प्लेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है टीवी पैनल जो कि हमारा WPC पैनल के साथ रेडी किया गया है। यहाँ पे आपको ग्लास वर्क का और प्रोफाइल लाइटिंग का काम मिल रहा है, LED TV प्लेस करके दे दी है। एंड फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। वैसे ये फ्लैट हमारा फुल्ली फर्निश्ड रहने वाला है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हमने सोफ़ा नहीं लगाया है। दोनों बेडरूम में आपको बेड मिल जाएगा, लिविंग का सारा काम मिल जाएगा। एंड तो अब बात कर लेती हूँ प्यारी सी भाभियों की ओपन मॉड्यूलर किचन की। मॉड्यूलर किचन तो बहुत ही खूबसूरत सी है, आप आ जाइए देख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन वाइट रखा है हमने इसमें और वुडन का काम किया है। बास्केट्स आप देख सकते हैं जिसमें हमने स्टेनलेस स्टील की बास्केट्स लगाई हैं जी प्रोफाइल हैंडल के साथ में। यहाँ पर भी कोई जंक, कोई दीमक, किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं आने वाला। इस तरफ आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। अगर ओवरहेड्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ओवरहेड्स में ब्लैक लैकर ग्लास का काम हमने किया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सेंसर वाली चिमनी मिल जाती है। इस तरफ हमने RO की प्लेसमेंट के लिए फिटिंग रेडी करके दे दी है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कैबिनेट मिल जाते हैं, इस तरफ भी कैबिनेट मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारे आउटर एरिया की किचन में, तो यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुल सी एक हमने शेल्फ बना के दे दिया है जिसमें आप अपना डेकोरेटिव आइटम वगैरह प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वास्तिक सोसाइटी है हमारी और इसके अंदर 4 टावर रहने वाले हैं, एक फ्लोर पे मिलने वाले हैं। इसमें आपको बेसिकली 8 फ्लैट में सबसे पहला फ्लैट हमारा 3 BHK का यही रहने वाला है। और तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इसका फर्स्ट बेडरूम। वेंटिलेशन दिखाऊंगी आपको कि वेंटिलेशन की बिल्कुल कमी नहीं रहने वाली। सबसे पहले फ्रंट पे आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़ा विंडो जिसमें हमने कर्टेंस लगाए हुए हैं। यहाँ से आपको नॉर्मली धूप वगैरह, सनलाइट वगैरह, नेचुरल लाइट्स वगैरह का प्रोविज़न मिल जाएगा। एंड हाफ वॉल तक कुल्टिंग का काम है और नीचे हमने 6.5x6 का बेड प्लेस किया हुआ। दोनों साइड कबर्ड अलमीरा मिल जाती है। अलमीरा आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी ब्यूटिफुल बनी हुई है। नीचे आपको साइड टेबल मिल जाते हैं और नीचे ड्रॉर्स वगैरह भी बना के दे दिए हैं। आप एक नज़र फॉल सीलिंग के डिज़ाइन पे कीजिए। इसी के साथ मैं दिखा देती हूँ हमारा मास्टर बेडरूम जो कि हमारा अटैच वॉशरूम और बैल्कनी के साथ अटैच है। तो ये वाला बेडरूम आप देख सकते हैं कितना खुला डुल्ला रहने वाला है, बहुत ही अल्टीमेट इसका साइज़ रहने वाला है। और 6.5x6 का यहाँ बेड प्लेस किया हुआ है। इस तरफ आपको हाफ वॉल तक, फुल वॉल तक बल्कि कुल्टिंग मिल रही है। दोनों साइड आपको कबर्ड अलमीरा मिल रही है आप देख सकते हैं। नीचे आपको साइड टेबल्स और ड्रॉर्स मिल जाते हैं। एक नज़र फॉल सीलिंग के डिज़ाइन पे। मैंने बोला था विंडो वेंटिलेशन को नोट कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत ही बड़ी एक विंडो मिल रही है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाऊंगी आपको अटैच वॉशरूम जो कि हमारी एंट्री में ही रहने वाला है। अब हम अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल सी बालकनी में एंट्री कर लेते हैं। कितना बड़ा बालकनी है आप देख सकते हैं। ये 3 BHK 110 गज का फ्लैट है। यहाँ पे हमने टैप का कनेक्शन करके दे दिया है जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। एल शेप में हमारा पूरा फ्लैट रहने वाला है। फ्रंट का रोड भी हमारा 30 फिट का रहने वाला है। सामने आपका कमर्शियल रोड लग रहा है जो कि हमारा नजफगढ़ से कनेक्टेड है। चलिए यहीं से मैं एंट्री कर लेती हूँ हमारे थर्ड बेडरूम में जो कि लास्ट बेडरूम रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 6.5x6 का बेड प्लेस कर सकते हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख लीजिए और विंडो, वाओ, मतलब तीनों बेडरूम में आपको इतने बड़े बड़े विंडो मिल रहे हैं कर्टेंस के साथ में कि बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। मतलब आपके घर में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत यूनिट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार कॉमन वॉशरूम भी इसका व्यू करा देती हूँ। आ जाइए, कॉमन वॉशरूम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ पे सेपरेट आपका बाथिंग एरिया है। यहाँ पे आपके WC लगा के दे दिया है। यहाँ पे आपका मिरर का ऑप्शन दे दिया है जो कि टच स्क्रीन हमारा मिरर रहने वाला है। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगा के दे दिया है। नीचे आपको वैनिटी भी बना के दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 3 BHK 110 गज का सोसाइटी का फ्लैट रहने वाला है जिसमें आपको गार्ड फैसिलिटी मिलने वाली है।
छत के ऊपर टेरेस गार्डन मिलने वाला है। टेरेस गार्डन के जो पिक्स वगैरह हैं वो भी इसमें मैं शेयर करवाऊंगी, तो वो आप देख सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है, कॉल करके पता कर लेना और मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल कर लो, क्योंकि लिमिटेड यूनिट अवेलेबल है। फटाफट से इस फ्लैट को बुक कराओ, इस नवरात्रे इस फ्लैट में ही अपने नवरात्रे मनाओ। थैंक यू।